You are all fine. Sorry for late. So open your books. Unit number 1. You know, आपके मंथली टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं. उम्मीद है कि आपको डेट शीट तो मिल गई होगी. कल इंशाल्लाह ताला आपका इंग्लिश ए और इंग्लिश बी का टेस्ट होगा. यूनिट नंबर 1 सिलेबस में मैंने शामिल किया है और इसके तमाम यूनिट को आपने यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 4, 5, 6, 7, 8 ओके. ये तमाम पेजेस आपने अच्छी तरह से लर्न करने हैं. इनकी ट्रांसलेशन, इनके क्वेश्चन आंसर्स, ट्रू और फॉल्स, कंप्रिहेंशन, ए बी सी इनकी एक्सरसाइजेस. पेज नंबर 8 वोकैबुलरी, मैच द रिलेटेड वर्ड्स और कंप्रिहेंशन. और नीचे सी एक्सरसाइज, ग्रामर, री राइट यूजिंग कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप. ऑल द बुक वर्क एंड ट्रांसलेशन क्वेश्चन आंसर्स आर इंक्लूडेड. इंग्लिश बी में आपके लिए होगा एक स्टोरी, सिर्फ एक स्टोरी मैंने रखी है. आप ए थर्स्टी क्रो, और आप अच्छी तरह से याद करेंगे कैसे उसका टाइटल लिखना है, स्टोरी लिखनी है और उसका एंड पे मॉरल होगा. अब आपको मैं एक चीज़ बताती चलूँ कि आपने पेपर कैसे रेडी करना है. आंसर शीट्स आप लेंगे, आपने उसके फर्स्ट पेज पे पहले सबसे पहले मार्जिन लाइंस ड्रॉ करनी है. उसके बाद आप मार्कर के साथ मेंशन करेंगे मंथली टेस्ट, नेम, फादर नेम, क्लास, डेट, सब्जेक्ट और अपना फ़ोन नंबर, सेल फोन नंबर आप देंगे. फिर उसके बाद एक और चीज़ कि जब हमने मार्जिन लाइन ड्रॉ कर ली, अब हमने इसके बाहर कुछ नहीं लिखना. आपने जैसे फर्स्ट करें कि क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि राइट ए स्टोरी. 10 मार्क्स जिस तरह क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा वैसे ही आपने क्वेश्चन लिखना है. उसके बाद आप उसका टाइटल लिखेंगे, नीचे जो भी आपने स्टोरी जैसे लर्न किया है वैसे आप लिखेंगे. जब स्टोरी एंड होती है फिर आप हेडिंग दोगे मॉरल, फिर आप मॉरल लिखेंगे. जब आपका मॉरल एंड हो जाता है तो नीचे सिर्फ एक छोटी सी लाइन खींच देते हैं कि पता चल गया यहाँ. अब कुदरती तौर पर हमारा ये पेज ख़त्म हो रहा है, फ़र्ज़ किया कि ये आपके यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, तो आप इसके नीचे दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट पेज जब आएगा तो इसी तरह जैसे सेकंड क्वेश्चन है आपका, आंसर दी क्वेश्चंस, आपने ऊपर हेडिंग दी, क्वेश्चन लिखा. अब यहाँ देखें मैंने मार्जिन लाइन के बाहर कोई नंबर नहीं दिया, जो कुछ भी है उसके अंदर आप नंबर दें क्वेश्चन का, व्हाट इज़ योर नेम, फिर उसका आंसर क्या होगा, माय नेम इज़ अली एंड सो जो. इसी तरह फिर उसके नीचे सेकंड क्वेश्चन, जैसे 5, 3, 4 जितने भी वो क्वेश्चन होंगे, जब वो क्वेश्चन हो जाए आप उनके नीचे एंडिंग लाइन लगाएं और उसके नीचे थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करें. उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी. अब एक और चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे इसमें नए ग्रुप में नए भी शामिल हैं, इनके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि आंसर शीट शुड बी फाइन. अच्छे किस्म का पेपर लें कि आपकी इंक आर पार ना हो. राइट विद ब्लू पेन्स एंड मार्कर्स, आपने सिर्फ ब्लू पेन यूज़ करने हैं और ब्लू मार्कर यूज़ करने हैं, कोई बच्चा दूसरा मार्कर यूज़ नहीं करेगा. नंबर 3, डू नॉट यूज़ ब्लैक इंक और ब्लैक पॉइंटर पेन या मार्कर, कुछ भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे. ख़ासतौर पर मेरे इंग्लिश के पेपर में अगर किसी ने कुछ ब्लैक इंक यूज़ की मैं उसको कैंसिल कर दूँगी. नंबर 4, ड्रा द मार्जिन लाइन्स, मार्जिन लाइन ज़रूर आपने बनानी है. राइट योर नेम्स एंड डेटा क्लियरली, और सबसे पहले आपने अपने तमाम डेटा क्लियरली लिखना है. नंबर 6, ओवर राइटिंग एंड कटिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड. अगर आप ओवर राइटिंग करेंगे, वाइटनर यूज़ करते हैं, रेजर यूज़ करते हैं या उसको काट के लिखते हैं तो वो आपके मार्क्स कट जाएंगे. डू नॉट यूज़ इरेजर, आपने कुछ भी इरेजर के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना. डू योर वर्क ऑनेस्टली, सबसे बड़ी बात ये कि क्योंकि आप क्लास में नहीं हैं, घर बैठे हैं, बुक्स आपके सामने हैं, टाइम भी आपके पास काफ़ी है, फिर भी आपने अपने आप को ईमानदारी के साथ पूरी तवज्जो के साथ पेपर करना है. कीप योर पेपर्स प्रॉपरली इन ए फाइल कवर, फिर जब आप पेपर कर चुकते हैं तो उसको ऐसे ही इधर उधर नहीं फेंक देना कि उसके कोने ऐसे मुड़ जाएँ, वो फोल्डिंग आ जाए उसमें. आपने पेपर फाइल कवर लेना है, बेशक वो प्लास्टिक के कवर शीट से ले लें या वैसे जो आपके दिल चाहे, आपने उसमें पेपर को
बाकायदगी से प्रॉपरली फाइल अप करना है. When monthly tests are over, और जब आपके वो तमाम टेस्ट ख़त्म हो जाएंगे, you will submit this file in the school. तो फिर आपके तमाम सब्जेक्ट्स की फ़ाइल तैयार हो जाएगी. तो आप उसको फाइल के ऊपर भी अपना नाम लिखें, क्लास लिखें, और स्कूल में आपको टाइमिंग्स बताए हुए होंगे, आपने उस टाइम में जाके स्कूल में सबमिट करवानी. ऑफिस खुला होगा, टीचर्स रिसीव करेंगे. फिर इसके बाद आपके पेपर्स चेक होंगे, रिजल्ट विल बी अनाउंस लेटर. वे बाद में आपको इनका रिजल्ट भी सेंड किया जाएगा. ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.